दोस्तों गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और ट्रिमर्स की वीडियो काफी बना चुका था मैं अपने इस चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक फैन, और ये खाली एक फैन ही नहीं है, ये है एक फोल्डेबल फैन। यहाँ आप देख सकते हैं इतना आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, काफी कॉम्पैक्ट साइज है, इसको आप बहुत ही आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जो बॉक्स में मिलता है वो मिलती है एक चार्जिंग केबल, ये है आपकी एक USB 2 माइक्रो USB चार्जिंग केबल, और लेंथ की बात करूं तो ये लगभग आधा मीटर के करीब इसकी जो है लेंथ है। बॉक्स में आपके काम की चीज है वो ये है, इसमें आपको एक कार्ड देखने को मिलेगा, ये जो कार्ड है ₹75 आपको इसके थ्रू कैशबैक मिल सकता है, इंस्टेंट कैशबैक। आपको क्या करना है, सिर्फ ये खरीदने के बाद बस अमेजोन पर जाना है और इस प्रोडक्ट को 5-स्टार रेटिंग देनी है, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक इस पर नंबर दिया हुआ है उस पर वो जो स्क्रीनशॉट लिया है आपने उसे सेंड कर देना है, तो आपको इंस्टेंट ₹75 का कैशबैक भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फैन के कुछ ओवरव्यू के बारे में। तो देख सकते हैं जैसे कि आपको पता ही है ये आपका एक फोल्डेबल फैन है और काफ़ी लाइट वेट है। अगर मैं वेट की ही बात कर लूँ सबसे पहले तो एक बार वेट चेक कर लेते हैं इसका कितना है, तो इसमें आपको 557-558 के लगभग इसका वेट, यानी कि इसमें आपको आधा किलो वेट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी लाइट वेट है, तो इसे आप कहीं भी आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ी बहुत ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं फैन की। तो जैसा कि आप फैन को देख पा रहे हैं, ये इसका मटेरियल की बात करूँ तो ये जो है आपका प्लास्टिक मटेरियल के साथ आता है, और प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी लगी है मेरे को। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको कुछ इस तरीके का फ़ैन देखने को मिलता है, और इसमें आपको एक LED लाइट भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ये पिलर टाइप का देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो है इसका बेस है, और जो बेस है इस पर आपको दो बटन मिलते हैं, यानी कि एक आपको पुश बटन मिलता है जिससे आप इसकी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और दूसरा ये बटन नहीं बोलूँगा नोब बोलूँगा, इसकी हेल्प से आप जो इसके फ़ैन को ना ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको आप मूव करोगे इधर उधर तो ये जो फ़ैन है इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करता है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीछे की साइड से कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा ये, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का गैप देखने को मिलता है, तो ये जो गैप है इसे आप एज ए वॉल पर भी लटका कर इसको फैन को यूज कर सकते हैं। नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका बैटरी का सेक्शन देखने को मिलता है, और इसमें आपको दो बैटरी देखने को मिलती है, और अगर मैं इन दोनों बैटरी की बात करूं तो ये जो दोनों बैटरी हैं ये 1600 mAh की बैटरी है। बॉक्स में खुली हुई मिलती है आपको बैटरियां, इसमें लगी हुई नहीं मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इसके एयर के फ्लो को देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से ये आपको हवा देने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एयर फ्लो को टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इस नोब को ऑन करते हैं कुछ इस तरीके से, तो देख सकते हैं अभी हमारा जो फैन है वो फुल स्पीड पर ऑन हो चुका है, और अगर हमको इसकी स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो ये जो नोब है हमें सिंपल इसको ऐसे करके बस घुमाते रहना है, और इसकी जो स्पीड है वो कम होती रहती है। फ्लो की बात करूँ तो आप देख सकते हैं पीछे जो पेड़ है उसकी पत्तियाँ भी हिल रही हैं, देखो यहाँ इतनी दूर से भी लगभग 1 मीटर का डिस्टेंस है इससे और इसका पेड़ का, और इसकी पत्तियाँ जो बहुत अच्छी तरह हिल रही हैं। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो इसका एयर का फ्लो है काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों जो दूसरा बटन दिया हुआ है ये है हमारा लाइट का, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था इसमें एक लाइट दी हुई है, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये जो लाइट है ये ऑन हो जाती है। ये जो लाइट है इसमें आपको दो मोड दिए हुए हैं, जब आप पहली बार इस बटन को दबाएंगे तो ये अपनी फुल ब्राइट में ऑन होती है, फिर दोबारा से प्रेस करेंगे तो इसकी जो ब्राइटनेस है हल्की सी कम हो जाती है, और तीसरी बार प्रेस करने पर ये जो लाइट है ऑफ हो जाती है। तो एक बार डेमो भी करके दिखा देते हैं हम आपको, तो यहाँ देख सकते हैं ये फुल ब्राइट में ऑन हो चुकी है इसकी जो लाइट है, और मेरे फेस से भी आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जैसे ही मैं दोबारा इसे प्रेस करूँगा तो इसकी जो ब्राइटनेस हल्की सी कम हो जाती है, देख सकते हैं इसकी जो ब्राइटनेस हल्की सी कम हुई थी, और तीसरी बार प्रेस करने पर ये ऑफ़ हो जाती है। इसके अलावा दोनों को आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं, यानी कि फ़ैन ऑन होते वक्त भी आप इसकी जो लाइट है उसको ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ इसमें आपको दो हिंज दी हुई हैं, एक हिंज आपको ऊपर की तरफ मिलेगी और दूसरी हिंज आपको एक यहाँ मिलती है नीचे की साइड में। तो जो ऊपर वाली हिंज जो दी हुई है वो इसकी जो फेस है इसको रोटेट करने के लिए दी हुई है, इसे आप मूव कर सकते हैं, ऐसे करके आप इसको 180 डिग्री तक मूव कर पाएंगे। देख सकते हैं ये जो है 180 डिग्री मूव होगा इस तरीके से, और अगर मैं बात करूं तो इसे आप पीछे की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये पूरा इतना फोल्ड हो सकता है पीछे की तरफ। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इस वाली नोब की बात करूं नीचे वाले की, तो ये जो है इसका जो पिलर है इसको रोटेट करने के लिए दिया हुआ है, इसको भी आप इस तरीके से कुछ 180 डिग्री तक इसको
मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका फोल्डेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया फैन है, आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से भी इस फैन को आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, डेकोरेट वगैरह भी कर सकते हैं और देख स्पेस भी काफ़ी कम लेता है। बाकी आप इसे कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, उल्टा करके भी आप इसको ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपका जो स्पेस है उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं इसके बैटरी बैकअप की बात करूँ तो जो कंपनी क्लेम करती है ये आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे में इसकी जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाएगी, और इसकी जो फुल स्पीड में अगर आप इसको चलाते हैं तो 2 से 2.5 घंटे ये बैटरी बैकअप दे देती है। बट मैंने इसको प्रैक्टिकल यूज किया था, तो मैंने इसको बिल्कुल जब ये ऑफ हो गया था, मैंने 10:10 पर इसको चार्जिंग पर लगाया था और इसको चार्ज होने में तकरीबन 5 घंटे लग गए थे, यानी कि 3:15 हो गई थी मेरी घड़ी में, तब ये फुल चार्ज हो चुका था। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये जो बॉक्स पर लिखा हुआ है या कंपनी क्लेम कर रही है 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, बट जो कंपनी कहती है बैटरी बैकअप इसका जो है 2.5 से 3 घंटे तक है, बट वो आपका पॉसिबल नहीं है। इसका जो बैटरी बैकअप है ये मैंने फुल चार्ज करने के बाद इस्तेमाल किया था और ये जो आपको बैटरी बैकअप देगा वो 55 से 60 मिनट तक ही दे पाएगा। बट इसमें एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसे आप डायरेक्ट अपनी बिजली से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसको डायरेक्ट प्लग करके भी बोर्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं जब इसकी बैटरी वगैरह लो हो जाती है। तो बैटरी बैकअप का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस फैन में, क्योंकि इसे आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जिंग की जैसे मैंने आपको बताया तो पीछे की साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं अपनी इस चार्जिंग केबल से। तो जैसे ही आप इसको चार्जिंग पर लगाएंगे ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ देखें आप, यहाँ एक रेड कलर की लाइट जलती है जो आपको इंडिकेट करेगी कि ये अभी चार्जिंग पर लगा हुआ है। और दोस्तों, जो रेड कलर की लाइट है, जब ये फुल चार्ज हो जाएगी इसकी बैटरी, तो वो जो रेड कलर की लाइट है वो आपकी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, तो इससे आप पता भी कर सकते हैं कि ये जो फैन है आपका फुल चार्ज हो चुका है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज लगी है मेरे को। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फैन की, किस तरीके से आप फैन को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसको फैन को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। घर में अगर आपको यूज करना है, आप इसको घर में यूज कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने वक्त अपने किचन में रख सकते हैं, काफ़ी कम स्पेस में ये आ जाता है और काफ़ी लाइट वेट है, तो आराम से आप इसे यहाँ से वहाँ रख भी सकते हैं आसानी से। इसके अलावा इसे आप ऑफिस में यूज कर सकते हैं, या फिर आप आउटडोर वगैरह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ भी इसे काफ़ी आसानी से ले जा सकते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह पर भी आप इसे रख कर और हवा खा सकते हैं। इसके अलावा इसको आप जैसे छत वगैरह पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ले जा सकते हैं, काफ़ी ईजी टू यूज है भाई, आराम से ले जा सकते हो, लाइट वेट है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, बाई करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जा सकते हो, वहाँ से आप बाई भी कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय हिंद।